Subscribe and click the bell icon for all the television updates. It's so boring. क्या follow करना है उसमें? कोई favorite actor, कोई किसी को support कर रही हूँ. मतलब है, सृष्टि है, करण है, but then that's it. I mean, nothing's interesting is happening in the show. Yeah, that is the problem. So I'm not really watching it. कहीं ना कहीं disappoint किया है. I guess because हमें बोला जाता था कि हमारा season didn't do so well, but after looking at this season, I think this season is worse because. All जो भी मैंने promos भी देखे हैं उसमें सिर्फ श्रीशांत is just screaming, shouting, wanting to hit somebody and the others are only नहीं श्री you know, so that is all that is happening in the show. So अच्छा, लेकिन विकास अंदर गए हैं कुछ, हाँ तो वही वो वाले promos मैंने देखे हैं, तो I'm hoping कि वो शायद थोड़े अच्छे episodes होंगे. I haven't seen it, but I'll definitely watch those two episodes that they were there. अनूप जी को काफी पसंद किया था, आपने कहा भी था, वो तो बाहर घर से आ गए, तो क्या बिग बॉस देखना बंद कर दिया? वो निकल गए घर से बाहर. नहीं, मैं क्या होता था, मैं बिग बॉस रिपीट देखती थी जब मैं घर पहुंचती थी, बिकॉज हम शूट से घर लेट पहुंचते हैं 10:30. बट अभी वो रिपीट भी नहीं बता रहा है बिग बॉस, तो मुझे देखने का मौका नहीं मिल रहा है. बट आई एम रियली शॉक्ड के अनूप जी आउट हो गए. नेहा पेंट से जब आउट हो गई थी, आई थिंक दैट वॉज द लास्ट एपिसोड आई सॉ, और मुझे बहुत बुरा लगा था बिकॉज बहुत खूबसूरत थी वो, एंड उन्होंने चार चांद लगा दिए थे बिग बॉस में. बट अब जसलीन क्या करने वाली है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बिग बॉस देखना पड़ेगा. ओके, रूही प्यार के ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है. अनूप जी के अलावा मेरा कौन फेवरेट कॉन्टेस्टेंट है? आई थिंक श्रीशांत इज प्लेइंग वेरी वेल, एंड मैंने ट्विटर पे भी किसी का ट्वीट पढ़ा था दैट अगर किसी को गेम खेलना आता है वो है श्रीशांत, और वो बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से गेम खेल रहे हैं. सो आई थिंक श्रीशांत इज़ माई फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस. मैं बिग बॉस नहीं देखती, बट जो भी मैंने पढ़ा है, मैंने ट्विटर पे पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि श्रीशांत काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, वो एग्जैक्टली जैसा गेम खेलना चाहिए वैसा खेल रहे. सो आई होप इफ ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन टू विन ही शैल विन. बिग बॉस मैं स्टार्टिंग में फॉलो किया था, उसके बाद टू बी ऑनेस्ट उसके बाद फिर हम स्पेन चले गए थे. बट आई थिंक हमारा बहुत ही करीबी दोस्त करणवीर वोरा अभी भी अंदर है, तो हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं, आई डोंट वॉच बिग बॉस. बिल्कुल नहीं, एक्चुअली डोंट वॉच बिग बॉस एट ऑल. कोई फेवरेट कंटेस्टेंट? मेरा एक दोस्त है अंदर, करणवीर बोरा, इज अ ग्रेट गाय. बोरा, आई एम सॉरी ब्रदर, आई हैवंट वॉच्ड अ सिंगल एपिसोड, बट आई नो व्हाट अ गुड हार्टेड पर्सन यू आर, एंड आई डोंट नो एनीबडी एल्स इन द हाउस, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट बोरा. When and come, brother. Actually, बिल्कुल भी नहीं. मैंने तो बिल्कुल भी नहीं. मैं आई वॉज आउट ऑफ द कंट्री इन फैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब शुरू हुआ था बिग बॉस, तो आई हैव नो आइडिया क्या हो रहा है अभी बिग बॉस. सी, आई मीन फेवरेट तो आई डोंट नो, बट टू ऑफ माई फ्रेंड्स पहचानते हैं, तो वो डेफिनेटली इन invariably they become your favorite. Yeah. But I have no idea how they are doing. I plan to catch up on it soon. आपके डियर फ्रेंड विकास गुप्ता भी घर में गए हैं बिग बॉस के घर में, अभी उनकी एंट्री हुई है, बालिका एंट्री. क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर, क्या अलग कुछ तड़का लगेगा आपको लगता है? देखिए, विकास एक बहुत ही एंटरटेनिंग इंसान है, एंड ही प्लेज वेरी वेल. जब वो बिग बॉस में थे एक्चुअली, तब भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला. सो आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएंगे. मतलब हाँ, अगर विकास को वापस भेजा है घर में, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू डू समथिंग. एक्चुअली द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन बिग बॉस थोड़ा बहुत. सो या, कोई फेवरेट आपके कंटेस्टेंट है जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं? I think Deepak Thakur has a lot of caliber. वो बहुत calculative है, but he knows किसको क्या करना है, कहाँ करना है. तो where he has to go down, he goes down. And when you know he's know कि मुझे अपना game अभी high करना है, तो वो भी करता है, बहुत strategy बना के खेलता है. So yeah, that is there. Yeah, I can say a little bit. थोड़ा बहुत देखा है मैंने उसके बारे में. कोई favorite contestant आप लोगों का बना हो? Okay, I really used to like Anoop ji in the show. I think he was fabulous, and his jodi with Jasleen used to bring that special tadka. And nikal gaye, right, evict ho gaye, ye mujhe pata chala. So I also like Sabha, and I used to like them as well.
एंड दीपक काफ़ी तगड़ा खेल रहा है, सो या ही इज क्वाइट अ गुड प्लेयर. मैं मुझे लगता है कि बिग बॉस हाउस इज नॉट एन ईजी हाउस टू बी इन, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड अ लॉट ऑफ करेज टू बी एबल टू एंटर देयर, स्पेशली एज अ सेलिब्रिटी. और मैं उनके इस एफर्ट को सलाम करता हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि मुझ में वो इतनी हिम्मत अभी भी है, जबकि बीच में मुझे भी था कुछ ख्याल, कुछ सोच ऐसी थी कि शायद मुझे भी जाना चाहिए, पर मैं इतनी हिम्मत अभी तक गैदर नहीं कर पाया और करेज कि मैं वहाँ जा पाऊँ. बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा है, तो आई एम जस्ट हैप्पी फॉर देम एंड आई जस्ट विश दैट मे द बेस्ट मैन और वुमन विन. Yes, but it's really, like he rightly said, it's a very difficult thing, you know, आप enclosed environment में हो और इतना सब हो रहा है वहाँ पर, तो कोई भी इंसान, you know, anything can, you know, just trouble you. So yeah, I think, I see Srichant is quite disturbed in the house. Is he still in the house? Yeah? वो उनकी strategy. अच्छा, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है. Very good, I like that. Okay. Are you in direct connection with Srichant? अच्छा सॉरी, अब मैं आई थिंक दीपिका इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, सो दीपिका इज आल्सो स्ट्रांग, सब तो पता है मुझे. या एंड आई वाज थिंकिंग मुझे कैच अप करना है. आई एक्चुअली थॉट बिकॉज़ करण इज अ फ्रेंड एंड आई थॉट बिकॉज़ मैं देख नहीं पाया हूं तो मेरे लिए वो गलत है कमेंट करना, हो नहीं पाएगा सही, पर आई होप दैट ही इज प्लेइंग वेल एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. आई वुड वांट हिम टू विन.